हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीरीज 62, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की गणना कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीतिक हो गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है, हर एक दो साल छोड़ के मतलब आरपीएससी राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मेंस पे पूछ ही लेती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 50 वर्ड्स, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की गणना कीजिए, इतना तो 50 वर्ड्स में। और जबकि ये पूरा जो है कि पद का जो है राजनीतिकरण क्यों हो गया है या फिर आलोचनात्मक व्याख्या, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, आंसर यही रहेगा, लेकिन प्रश्न की प्रकृति बदल सकती है। तो प्रश्न की प्रकृति को आप ध्यान में रखते हुए, अगर विवेकाधीन शक्तियां पूछा तो विवेकाधीन शक्तियां लिखनी है, और पद राजनीतिक हो गया है या फिर आलोचनात्मक व्याख्या करनी है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो आइए किस तरह से आंसर को हम फ्रेम करेंगे देखते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है। अगर हम राज्यपाल की राष्ट्रपति से तुलना करें तो सभी को पता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं वो आर्टिकल 153 में मेंशन है क्लियरली, लेकिन राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो कहीं मेंशन नहीं है। एक हम है ना एक मतलब निकालते हैं कहीं ना कहीं, अगर वो हम देखें तो कुछ राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो क्लियरली मेंशन नहीं है, जबकि राज्यपाल की क्लियरली आर्टिकल 153 में क्लियरली विवेकाधीन शक्तियां मेंशन है, क्योंकि राष्ट्रपति के विपरीत वह राज्य की कैबिनेट की सलाह से बाध्य नहीं है। अब राष्ट्रपति क्या होता है कि राज्य की कैबिनेट की जो सलाह है उसके लिए बाध्यकारी होती है, सभी को पता है। विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो कौन कौन सी है, राष्ट्रपति के विचारात किसी विधेयक को रोकना या आरक्षित करना। राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है, कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल जो है वो उस विधेयक को आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित कर लेता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करना, राष्ट्रपति अगर शासन लगाना होता है किसी भी राज्य में तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने पर एवं निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में, सीधे तौर पे हम बोले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब करता है, एक तो विधानसभा में मान लो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो उस स्थिति में कर देगा, या फिर अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो गया है तो कर देगा, या फिर कोई भी निश्चित उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल को विवेकाधिकार का अधिकार है। ओके, विवेकाधिकार है। ये जो प्रश्न है आप सभी को पता है पेपर 3 का है, पॉलिटी से रिलेटेड है। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्त के मामले में अगर हम बात करें, राज्य विधानसभा में किसी को भी विश्वास मत नहीं मिलता है तो मंत्रिपरिषद जो है उसको कंप्लीट रूप से बर्खास्त भी कर सकता है। ये मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, अगर मंत्रिपरिषद जो है वो अल्पमत में आ जाती है तो राज्य विधानसभा को विघटित करने का विवेकाधिकार भी किसके पास है, राज्यपाल के पास ही है। तो इस तरह से ये राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां होंगी। अगर 50 वर्ड्स में पूछता है तो आप ये सब जो 5 पॉइंट्स है ये लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना बना के भी लिख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप कैसे भी बुलेट पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि पद जो है वो राजनीतिकृत हो गया है क्यों, यानी पद की आलोचना अगर हम बोले तो इसको बोल सकते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती इनको, हर नई सरकार बदल देती है। अगर हम बात करें राज्यपाल के कार्यकाल को सुरक्षा नहीं होती है, अगर मान लो सरकार बदल गई है, जैसे कि मान लो कांग्रेस थी तो बीजेपी आ गई, बीजेपी तो कांग्रेस है, या फिर कोई और दल आ गया है, तो इनको हो सकता है कि नई जो सरकार बनी है वो राज्यपाल को हटा दी पहले वाले को, तो कार्यकाल की सुरक्षा इनको प्राप्त नहीं है, नई सरकार आते ही राज्यपाल चेंज हो जाता है। 356 का गलत प्रयोग, यानी बार बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसका गलत प्रयोग भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। राजनीतिक लोगों को राज्यपाल बनाया जाना, अब राजनीतिक लोग जो होते हैं उनको भी कई बार राज्यपाल बनाया जाता है, जबकि राज्यपाल का पद जो है वो प्रतिष्ठा का पद है जिसमें जिसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राजनीति से रिलेटेड लोगों को इसमें नहीं शामिल करना चाहिए। कला संस्कृति साहित्य या फिर कोई भी एक्सपीरियंस जो व्यक्ति होता है उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक लोग जो होते हैं राजनीतिक लाभ के लिए जिसको बनाया जाता है तो वो एक गलत हो जाता है। राज्य विधायिका राज्यपाल के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती है, अतः वे अपने नियोक्ता दल के प्रति स्वामी भक्त रहते हैं।
अब राज्य विधायिका को पता है कि वो राज्यपाल के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती है, अतः वे अपने नियुक्त दल के प्रति स्वामी भक्त बने रहता है। तो राज्यपाल भी कहीं ना कहीं क्या होता है, झुकाव हो जाता है वो विधायिका के प्रति काफी जाता है, या फिर मुख्यमंत्री के प्रति भी के कहने पर सारा काम करता है। तो पीछे कहीं ना कहीं जो है एक तरह से हम देखें स्वामी भक्ति देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है हम और भी पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स देने की कोशिश करी है। लेकिन ये प्रश्न जो है दोबारा देख लेते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की गणना प्लस में ऐसा क्यों कहा जाता है कि राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीतिक हो गया है। आपको अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है, आरपीएससी टू द पॉइंट आंसर चाहिए, फैक्ट्स प्लस टू द पॉइंट। तो राजनीतिक पद हो गया है उसमें आप बुलेट पॉइंट्स की या फिर एरो से या फिर किस तरह से जिस तरह भी आप लिखना चाहते हो पॉइंट्स बना बना के आप आंसर दे जाइए, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर बताइए, ये भी 5 नंबर में, इवन ये 10 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 वर्ड्स में और 100 वर्ड दोनों में ही राजनीतिक दल दबाव समूह में अंतर इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, दोनों ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम एक टेबल बनाई है मैंने, तो टेबल से हम समझेंगे कि राजनीतिक दल दबाव समूह है। आप भी एग्जाम में ऐसे टेबल बना के आ सकते हैं, और मैंने कुछ पॉइंट्स ही लिए यहाँ पर, अगर आपको और पॉइंट्स आते हैं तो आप इसी टेबल में ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी ये उत्तर देने की कोशिश की है 5 नंबर, ओके 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग देने की कोशिश की है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक दल, राजनीतिक दल में क्या होगा, ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक दल होता है, अगर राजनीतिक दल होगा तो वो सत्ता जरूर प्राप्त करना चाहेगा। दबाव समूह है, प्रत्येक सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ये केवल सत्तासीन लोगों के निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं, ओके सत्ता तो प्राप्त नहीं करना चाहते लेकिन जो सत्तासीन लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है राजनीतिक दल अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा होती है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी राजनीतिक दल होगा उसकी निश्चित विचारधारा जरूर होगी, उसी के बेस पर एक राजनीतिक दल बनता है, चाहे हम CPIM देख लो, चाहे कांग्रेस देख लो, चाहे BJP देख लो, या कोई भी राजनीतिक दल होगा उसकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा जरूर होगी। दबाव समूह है, अनिवार्य रूप से कोई राजनीतिक विचारधारा इनकी नहीं होती है। दूसरा, तीसरा है चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं, सभी को पता है चुनाव लड़ते हैं, चुनाव चिन्ह भी होता है इनका, तो चुनाव ये लड़ते हैं, राजनीति में ये भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरोकार वहन करने वाली नीतियां एवं कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी नीतियां होती है उनका कार्यक्रम ये तैयार करते हैं, जबकि इनके हित क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ये विशिष्ट हित के लिए काम करते हैं, प्लस में ये राजनीतिक जो हमारी कार्यपालिका है, राजनीतिक दल जो है उन पर दबाव बनाते हैं कि जो भी नीतियां प्लस में जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं वो लोकहित में बने, प्लस में उनका गलत यूज ना हो और सर्वांगीण विकास से रिलेटेड इनका वो बने। तो प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, वो एक तरह से राजनीतिक दल को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि उन पर एक प्रेशर ग्रुप प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो एक अच्छा काम करे, ओके तो इस तरह से आप टेबल बना के आंसर दे सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।